नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दियों में इतने साग मार्केट में आते हैं, तो आज हम मूली और उसके पत्तों का साग बनाएंगे पालक के साथ। बहुत ही टेस्टी साग बनता है, तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, मैंने ये पालक लिया है, दो मूली ली है। इस तरह से आप ताज़ी मूली लें और ये मैंने मूली के पत्ते रख लें। तो थोड़े ज़्यादा बड़े पत्ते तो आप हटा दें और ये बाकी ये कच्चे पत्ते आपको रखने हैं। और इन सबको हमें अच्छे से अलग अलग धोकर अलग अलग काटना है, एक साथ नहीं काटना है। सबको अलग अलग बर्तन में आप काट के रखें, मिक्स ना करें और अच्छे से वॉश कर लें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से मूली को अलग काट लिया है और ये मूली के पत्ते हैं और ये पालक है। इन सबको अच्छे से धो लिया है। तो देखिए, एक भगोने में हम पानी गर्म करेंगे और उसमें सबसे पहले हम मूली डालेंगे बॉईल करने के लिए, क्योंकि मूली इन पत्तों से ज़्यादा हार्ड है, टाइम लेगी बॉईल होने में। और जब 5-7 मिनट में हम देखेंगे मूली कुक हो गई है, तो इसके बाद इसमें हम मूली के पत्ते डाल देंगे। ये भी पालक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इन सबको हम अलग अलग टाइम पर कुक करेंगे। और 2-3 मिनट या 4 मिनट में आप देखेंगे ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ढककर आप 1-2 मिनट के लिए इसे कुक कर लें। और जैसे ये कुक होते हैं, अब इसमें हम लास्ट में पालक डालेंगे, क्योंकि पालक बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी बॉईल होता है और वैसे भी ज़्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए पालक को। तो इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ढककर। अब देखिए, बॉईल हो गया है और इन्हें हम एक चलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए और ये थोड़े से ठंडे हो जाए। तो इस तरह से देखिए, बॉईल होकर साग हमारा रेडी हो गया है। अब इसे ठंडा करके इसको हम हाथ में मुट्ठी में लेके थोड़ा निचोड़ेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है सरसों का, इसे गरम कर लेंगे। और ये इस तरह से मैंने मूली पालक को निचोड़ करके उसकी बॉल्स बना ली है, मतलब इनका सारा पानी निकाल दिया है मैंने। तो ये देखिए, तेल गरम हो गया। आप सरसों का तेल लें, उसमें हम जीरा डालेंगे। उसके बाद ये मैंने लहसुन कूट लिया है, तो आप सिर्फ लहसुन डालें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, अदरक नहीं। और इसके बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे। जैसे लहसुन थोड़ा ब्राउन होगा तो हल्दी डाली है, थोड़ा आप मिर्च पाउडर डालें और धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद इसमें हमने 2 टमाटर डाले हैं। आप चाहे तो इसे बिना टमाटर के भी बना सकते हैं, दोनों तरह से ये बनती है। और इसे थोड़ा सा कुक कर लें। आप देखिए, मसाला और टमाटर कुक हो गए हैं। और इसमें अब हम मूली पालक का साग डाल देंगे, जिसे हमने तैयार किया है बॉईल करके, और टेस्ट से नमक डाल देंगे। तो देखिए, बहुत ही इजी रेसिपी है, बस बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा बॉईल करने में इसे टाइम लगता है। अब इसे हम अच्छे से मिलाकर सिर्फ 2-3 मिनट कुक करेंगे, क्योंकि सब कुछ पका हुआ है। तो देखिए, सब्जी बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस सब्जी से। तो ये देखिए, सब्जी बनकर रेडी है। इसे आप मक्के या बाजरे की रोटी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।